हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी पाठशाला। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एलपी और टेक्नीशियन की तरफ से आपके यहाँ पे बिगेस्ट रिप्लेसमेंट पैनल, यहाँ पे एलपी फाइनल एडिशनल रिजल्ट यहाँ पे फाइनली जारी कर दिया गया है। डिमांडेड है ये, रिकमेंडेड है, जो आपके नोटिस जारी किया गया था कि आपके 50% इसमें जो रिजल्ट आया है रिकमेंडेड किया गया है कि जोनल रेलवे की तरफ से पर्सनल चीफ ऑफिसर की तरफ से। एलपी की कट ऑफ कितनी गई है वो भी बताने वाला हूँ, और री मेडिकल कब होने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये रही आरआरबी मुंबई जोन के ऑफिशियल साइट। इस पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे ऊपर जो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी थी 01/2018 एलपी टेक्नीशियन। क्लिक हियर टू व्यू फाइनल सप्लीमेंट्री एडिशनल रिजल्ट। फाइनल सप्लीमेंट्री रिजल्ट फॉर कट ऑफ मार्क यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 और 2 दोनों के लिए यहाँ पे जारी किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें सेलेक्ट किया गया है, तो किस किस का रोल नंबर है वो भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वो रिजल्ट, इसमें आप देख सकते हो 8 तारीख की डेट में आज ही जारी किया गया था। फाइनल सप्लीमेंट्री रिजल्ट फॉर असिस्टेंट लोको पायलट 01/2018 डेट ऑफ इशू 8 तारीख ऑन द जो आपके सीबीटी वन हुआ था, सीबीटी हुआ था उसके बाद में यहाँ पे दिया गया था। द फॉलोइंग कैंडिडेट अवेलेबल 50% एक्स्ट्रा आर रिकमेंडेड, यानी प्रोविजनल सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट, यानी प्रोविजनली इनको सेलेक्ट किया गया है और इनको अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाएगा। और ये अपॉइंटमेंट लेटर तब तक ही मान्य रहेगा जब तक आपको मेडिकल होगा। जैसे अगर आप मेडिकल में जो आपका री मेडिकल होगा अगर उसमें आप पास होते हो तो आपके लिए मान्य रहेगा, नहीं तो ये कोई मान्य नहीं रहेगा। ये प्रोविजनल जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा बाई आरआरबी मुंबई अगेंस्ट रिप्लेसमेंट वैकेंसीज, द रोल नंबर आर गिवन अकॉर्डिंगली ऑर्डर। तो जो दिया गया है, सबसे पहले बात करें यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किया गया, सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 1। आप इसमें अपना रोल नंबर देख सकते हो, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो अपना रोल नंबर। तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं, बहुत सारे इसमें रोल नंबर दिए गए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब बात करते हैं सेंट्रल रेलवे में कैटेगरी नंबर 1 की लेके, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे रोल नंबर दिए गए हैं। और वेस्टर्न रेलवे में यहाँ पे कैटेगरी नंबर 2 के लिए यहाँ पे जारी किया गया, तो इसमें भी काफ़ी रोल नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की बात करें, इसमें 188 स्टूडेंट को यहाँ पे पास किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो 188 स्टूडेंट, और यहाँ पे 26 स्टूडेंट यहाँ पे कैटेगरी नंबर 2 में यानी वेस्टर्न रेलवे में पास किए गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे 200+ आपके स्टूडेंट को इसमें पास किया गया, तो आप देख सकते हो इसमें। तो अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं। द सेलेक्टेड कैंडिडेट आर बीइंग लिमिटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी जानकारी इसमें दी गई है। और यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय प्रिंसिपल चीफ ऑफिसर जो आपका है रेलवे कंसिडर इफ फाउंड अदरवाइज सुटेबल इंक्लूडिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर रूल। मतलब इसमें कहा गया है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा अगर आप इसमें जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें फिट पाए जाओगे। तो आगे इसमें दिया गया था इंपॉर्टेंट बिहेवियर अबाउट द प्रोजली कैंडिडेट फाउंड डिवेली एनी ऑफ आरआरबी हर कैंडिडेट कैंसल रिमूव लेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही बात की गई, द अबाउ द प्रोपरली प्रोविजनल इन द केस ऑफ इज फाउंड हिज डिवेली एनी ऑफ आरआरबी कैंडिडेचर कैंडिडेट विल बी कैंसल एलिब्रेट रिमूव सर्विस एट एनी लेटर स्टेज। मतलब वो अपनी स्टेज को, मतलब अगर कोई एलपी का स्टूडेंट है वो अपनी जॉब नहीं लेना चाहता तो वो अपनी जॉब छोड़ भी सकता है, मतलब उसको आरआरबी निकाल भी सकता है इस रिजल्ट के बाद अगर वो प्रॉपरली फाउंड नहीं पाया जाता। द डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप इसमें देख सकते हो। फाइनल सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे आगे भी दिया गया है, साउथ रेलवे की तरफ से भी जारी किया है। साउथ रेलवे की तरफ से एक स्टूडेंट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है कैटेगरी नंबर 2 में, इसमें भी वही चीज़ें दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे में भी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है, इसमें भी वही चीज़ें दी गई है कैटेगरी नंबर 2 में। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे लगभग आपके देख सकते हो यहाँ पे 230+ आप स्टूडेंट को इसमें सेलेक्ट किया गया, तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें सेलेक्ट किया गया है अलग अलग जोन से। यहाँ पे अलग अलग आरआरबी जोन से यहाँ पे आपके रिप्लेसमेंट पैनल और एडिशनल और डिमांडेड पैनल यहाँ पे जारी किए जाएंगे, तो जैसे वो आएंगे मैं आपको बता दूंगा। अब बात करें कट ऑफ मार्क कितनी गए, तो कट ऑफ मार्क कैटेगरी नंबर 1 सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं, अनरिजर्व की आपकी 66.25 गई है, एससी की यहाँ पे 61 गई है, एसटी की यहाँ पे 53 गई है, और ओबीसी की यहाँ पे 65 गई। तो काफ़ी कम यहाँ पे एसटी की 53 रही है और 66 में आपका अनरिजर्व में सिलेक्शन हो गया। कैटेगरी नंबर 2 में वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो अनरिजर्व की यहाँ पे 66.42 गई है, और एसटी की बात करें तो यहाँ पे 53 गई है, और ओबीसी की बात करें तो 66 आप इसमें कट ऑफ मार्क रही। एससीआर साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें कैटेगरी नंबर 2 में, तो एससी की एक पोस्ट दी गई 61.62 इसमें आपके
कट ऑफ मार्क रही है। तो इसमें देख सकते हो कि आपकी ये कट ऑफ मार्क रही है 53 से लेके आपके 66 में आपका इसमें सिलेक्शन हो गया। तो इसके अंदर अगर आपके रोल नंबर मतलब इसके अंदर अगर आपके CBT 1 और CBT 2 और CBT 5 को तीनों को मिला के आपके अगर मार्क्स आएँ तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का हुआ है। आप अपने रोल नंबर भी देख सकते हो। तो ये था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।